हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर के साथ भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह डेंगू पॉजिटिव पाए। डॉक्टर्स ने जयवर्धन को 1 हफ्ते आराम करने की सलाह दी है। हाल ही में बुंदेलखंड ग्वालियर चंबल के दौरे पर थे जयवर्धन से। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां डेंगू का कहर लगातार जारी। अब कांग्रेस विधायक जयवर्धन से डेंगू पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर्स ने जयवर्धन को 1 हफ्ते आराम करने की सलाह दी है। हाल ही में बुंदेलखंड ग्वालियर चंबल के दौरे पर थे जयवर्धन और डेंगू पॉजिटिव वो पाए गए। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। तो मध्य प्रदेश में किस तरह से डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि अब MLA कांग्रेस विधायक भी इसकी चपेट में आ गए। चलिए, नवीन सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। नवीन, जयवर्धन सिंह डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी से ये समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर किस तरह से अब लगातार बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। डॉक्टरों के मुताबिक लगभग जयवर्धन सिंह को हफ्ते भर आराम करना है। हालांकि खतरे और किसी तरीके की चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इससे ये साफ हो गया ना कि मरीज बढ़े थे, उतनी ही तेजी से डेंगू के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात पर चिंता जाहिर की थी और मध्य प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों और सभी स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को, कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि वो समय रहते अभियान चलाएं और इस जो डेंगू बीमारी है उसको महामारी में तब्दील ना होने दें। इसके लिए सार्थक प्रयास करें, प्रशासन के अफसर भी इसमें जुट जाएं, जनप्रतिनिधि भी जुट जाएं, इलाके की क्षेत्र की जहां भी गंदगी हो उसका सफाई भी करें। पिछले दिनों अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से ही की थी और सभी मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री भी इसमें जुटे थे, लेकिन मरीजों का आंकड़ा, डेंगू पॉजिटिव की जो संख्या है वो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि जयवर्धन सिंह इस बीच में लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दौरे पर थे। किसानों के सम्मान में जयवर्धन सिंह ने एक बड़ी यात्रा निकाली थी। इसके बाद ग्वालियर चंबल भी गए थे, वहां भी मध्य प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों की खिलाफत जयवर्धन सिंह ने दमदारी से की थी। हाल में ही जयवर्धन सिंह निवाड़ी जिले गए थे, प्रतिपुर विधानसभा भी गए थे, झांसी भी उतरे थे, वहां तमाम लोगों ने उनका स्वागत भी किया था। तो इस तरीके से जयवर्धन सिंह के दौरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे थे और उसके बाद ही कल उनको ये महसूस हुआ कि जो बुखार है वो जा नहीं रहा है और उन्होंने भोपाल में ही अपना सैंपल दिया। रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले ही आई है, जिस रिपोर्ट में जयवर्धन सिंह को डेंगू पॉजिटिव बताया गया। फिलहाल वो राघोगढ़ में ही हैं, अपनी विधानसभा में, अपने क्षेत्र में ही हैं और वहीं फिलहाल आराम कर रहे हैं। उनका जयवर्धन सिंह ने एक मैसेज भी जारी किया है, उसमें कहा है कि राघू जी महाराज की कृपा से जल्द ठीक होंगे, वो अगले हफ्ते भर के भीतर ठीक होकर स्वस्थ होकर वापसी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए।